ओके माय डियर फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का एजेंडा। हमारा आज का एजेंडा तो ये बिल्कुल नहीं है कि 2019 में किसकी सरकार बनेगी। सरकार तो उसी की बनेगी जिसकी आप बनाओगे, शायद तो आप तो अभी वोट भी नहीं देते होगे ना, तो इस पचड़े में क्यों पड़े। नहीं, शुरू करते हैं और हम इसके बारे में सोचते हैं कि 2019-20-21 में हमको एडमिशन कहाँ लेना है, कौन से इंजीनियरिंग या फिर कौन से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए। ये है आपका एजेंडा। इस एजेंडे को फुलफिल करने के लिए मैं भी आपका थोड़ा बहुत जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ वो ट्राई कर रहा हूँ। उसी के सेंस में आज का जो हमारा लेक्चर है, दैट इज़ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, लेक्चर नंबर 3। इसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, अब उसके बेस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम आज उसका डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, स्टार्ट करें ना, चलिए। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है एक बार रीड कर देता हूं आपके लिए, क्या है। अ लार्ज टैंक विच स्क्वायर बेस एट द साइड 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू द टू कंपार्टमेंट बाय द वर्टिकल पार्टीशन इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर। तो दिया हुआ है, फिगर में आपको दिख रहा है। देयर इज अ स्मॉल हिंज साइड डोर, क्या है भैया, डोर है वहां पे, एक छोटा सा डोर है जिसकी साइज दिया हुआ है, ठीक है। एट द बॉटम ऑफ द पार्टीशन द वाटर आर फील्ड इन वन कंपार्टमेंट एंड ऑयल रिलेटिव डेंसिटी इज 2 इन अदर। एक में वाटर है, एक में ऑयल है, और रिलेटिव डेंसिटी क्या है, 2, ठीक है। कोई यूनिट होती है क्या रिलेटिव डेंसिटी की, आप पढ़ाया था आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी है ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड के लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया ये सब। तो आप एक बार अगर नहीं देखे हो तो वो लेक्चर जरूर देखना। बोथ हैव द सेम हाइट 2 मीटर, 2 मीटर तक फील्ड किया गया है। पूछ के आपसे फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू कीप द डोर क्लोज्ड, ठीक है। समझ तो गए हो यार, भावनाओं को समझो, भाषा में क्या रखा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, वर्ड हैव नो मीनिंग। नहीं तो यहाँ पे शुरू करते हैं, ये हमारा वाटर है, ये हमारा ऑयल है, दोनों सेम कंपार्टमेंट में है, मतलब इक्वली डिवाइड है 0.5 मीटर पे, एंड ऑब्वियसली हाइट आर बोथ द, या यू कैन से लेवल फ्रॉम द बॉटम फॉर बोथ द वाटर एंड लिक्विड इज सेम, ठीक है, दोनों सेम है। तो अब क्या होगा भाई, देखो आप, इधर से वाटर प्रेशर लगाएगा हमारे गेट पे और इधर से कौन प्रेशर लगाएगा, ऑयल प्रेशर लगाएगा दोनों। तो मान लेते हैं वाटर का प्रेशर P1 लग रहा है और इसका प्रेशर P2 लग रहा है। अब भैया अगर डोर को क्लोज रखना है तो या तो ये दोनों प्रेशर बराबर होने चाहिए, ठीक है, या तो कोई कम ज़्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो कम होगा उसको स्ट्रेंथन करने के लिए टू कीप द डोर क्लोज, ठीक है। तो कैसे शुरू करें भाई, शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो प्रेशर लग रहा है दोनों से वो कितना लग रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करें ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड बाय द वाटर ऑन गेट, ठीक है, लिखने की जरूरत है क्या, प्रेशर अप्लाइड बाई वाटर, क्या है भाई, अप्लाइड बाई W, या फिर यू कैन से PW, P1 लिख देता हूं डायरेक्टली, टेंशन वाली बात नहीं। कितना होगा भाई बताना जरा, देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, नो मैटर आपको, मगर इक्वेशन पूरा करना है। इन दोनों साइड पे अपर डायरेक्शन से क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA और PA लग रहा होगा, हालांकि बोथ साइड से लग रहा है, आप इंक्लूड ना भी करोगे क्योंकि वो कैंसिल आउट होने वाला है ये फाइनली, ठीक है। बट नेवरदलेस आप जब क्वेश्चन लिखते हो तो आपको पूरा लिखना है ताकि एरर के चांसेस मिनिमाइज हो जाएं। तो ये हम लिखते हैं और हमारे पास ये हैबिट भी बनेगी कि हम इक्वेशन को पूरा लिखें। तो क्या हो जाएगा, PA दिस प्रेशर प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय द वाटर, क्या होता है भाई, क्या होता है, रो जी एंड एच, क्या होता है, रो जी एच, यही तो होता है यार, अरे यही तो होता है मेरे भाई। तो हम लिख देते हैं H1 ले, H2 ले, बोथ आर सेम, तो हम H लेते हैं दोनों के लिए, क्यों अपना सिर दर्द बढ़ाएं। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या भाई, प्रेशर अप्लाइड बाय ऑयल, अब ऑयल कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, दैट इंप्लाइज P2 इज इक्वल टू
अगेन द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल दैट इज ओ ले लेते हैं, इसको डब्ल्यू लेते हैं तो दैट इज गुड। हाँ अच्छा दिखेगा ना, तो रो जी एंड एच, वेरी सिंपल ना, वेरी सिंपल। ओके नाउ व्हाट इज द नेट प्रेशर, नेट प्रेशर ऑन द गेट। हम क्यों नेट प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं, नेट प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे मतलब नेट फोर्स भी मिल जाएगा हमको और वही फोर्स रिक्वायर्ड होगा, प्रेशर डिफरेंस पता चल जाएगा ना यार, नेट प्रेशर फाइंड आउट करेंगे तो, और उसी में एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली वी गेट दी फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द डोर क्लोज। ओके नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ठीक है कोई सा भी कर दो आप, पी वन माइनस पी टू वट एवर दैट, तो क्या हम लिख सकते हैं पी टू माइनस पी वन, कोई सा करो दैट इज नॉट अ मैटर, ठीक है इट इज नॉट अ मैटर, तो पी टू माइनस पी वन ओके इज इक्वल टू लिखते हैं भाई क्या हो जाएगा, पी वन प्लस रो नॉट जी एच, जी एच माइनस पी नॉट माइनस रो डब्ल्यू जी एच, वेरी सिंपल, रो अरे सॉरी पी ए से पी ए कैंसिल आउट हो गया, वी गेट वी जस्ट गेट क्या एच, वी कैन इंक्लूड एच जी, जी एच इज आउटसाइड एंड वी गेट व्हाट इज द ऑयल डेंसिटी माइनस वाटर डेंसिटी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर थ्री। क्या दिया है क्वेश्चन में, द रिलेटिव डेंसिटी इज टू, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है भाई, रिलेटिव डेंसिटी आपको पता है ऑयल की डेंसिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड फ्लूड की डेंसिटी दैट इज वाटर, तो इसके इक्वल टू दिया हुआ है टू, तो हम लिख सकते हैं ऑयल डेंसिटी इज इक्वल टू टू ऑफ वाटर डेंसिटी, तो आप यू कैन राइट जी एच सॉरी जी एच यहाँ पे क्या लिख सकते हैं टू, तो टू में से टू एक माइनस हो जाएगा तो सिंपली आपको आ जाएगा रो डब्ल्यू। अब सिंपली वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू टेन, दिस इज द थाउजेंड, व्हाट इज दिस, दिस इज द थाउजेंड एंड व्हाट इज द हाइट, हाइट 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 दैट इज टू मीटर आई थिंक दैट इज टू मीटर, तो फाइनली वी गेट व्हाट इज द वैल्यू दैट इज टू इंटू टेन टू द पावर फोर, टू इंटू टेन टू द पावर फोर, ये क्या है भाई, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस किसी में भी लिख लो आप, पास्कल में लिख लो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लो दैट इज नॉट मैटर, बट हमको क्या फाइंड आउट करना है फोर्स ना, तो नेट फोर्स, अगर नेट प्रेशर आपको पता है तो नेट फोर्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ गेट, एरिया ऑफ गेट, तो व्हाट इज द वैल्यू नेट प्रेशर दैट इज टू इंटू टेन टू द पावर फोर मल्टीप्लाई व्हाट इज द एरिया, एरिया दैट इज टू इंटू टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर, तो दिस फोर एंड दिस फोर इज कैंसिल आउट एंड फाइनली वी गेट दिस इज फाइव एंड मल्टीप्लाई टू, तो वी गेट द एंसर दैट इज 10 न्यूटन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमें क्या मिला 10 न्यूटन, ओ सेट I just forgetted to write down the option of this question. तो आप you can take the option like A is equal to 5 Newton, B is equal to 7.5 Newton and C is equal to 10 Newton and D is equal to 12.5 Newton. Okay. तो which option is correct? C is correct option. Okay. I think you got the answer. ठीक है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है एक बार मैं रीड कर देता हूं, देखो क्वेश्चन काफी लंबा लिखा है, एक डायग्राम ड्रॉ किया है, तो इससे डर के भागना नहीं है, देखना कितना तुच्छा सा क्वेश्चन है और अभी रिसेंटली पूछा गया था नीट 2017 में, मतलब डॉक्टर साहब लोगों के लिए, ठीक है, और डॉक्टर साहब लोग तो इसका यूज भी करते हो आप लोग बहुत सारे चीज मेजर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से एज यूजुअल रीड कर देता हूं आपके लिए, तब तक आप ट्राई करते रहो जब तक मैं रीड करता हूं, अगर आपको समझ में आ जाता है तो, अदरवाइज सोल्यूशन तो मैं करूंगा ही। यूट्यूब भैया, वो यूट्यूब वाला नहीं जहां पे वीडियो देख रहे हो, ये यूट्यूब मतलब ऐसे यू टाइप की ट्यूब है, ठीक है। यूट्यूब विद द बोथ इंड ओपन इन एटमोस्फेयर इज पार्सली फिल्ड विद वाटर एंड ऑयल एंड ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते हैं, इनमिशिबल हैं, विद दी
Water is poured in one side until it stands at the distance of 10 meter above the water level. Wah. Another side. Meanwhile, the water is rise of 65 mm from its original level. Figure shown in the below. Find out the density of the oil. देखो ये क्या कह रहे हैं? ये एक ऐसी ट्यूब है. इसमें क्या था? Partially कुछ water filled था. फिर हमने क्या किया? इधर से partially कुछ oil और water filled था. फिर हमने इधर से क्या किया? पोर करना शुरू किया. किसको? ऑयल को. और इनिशियल जो इनिशियल लेवल था वाटर का वो ये लाइन थी. कौन सी लाइन? डी वाली. ठीक है. फिर क्या किया? ये लाइन बढ़ने लगी. कहाँ पे पहुंच गई? ई पे पहुंच गई. ई पे पहुंच गई. ये इसका फाइनल वाटर लेवल है. बट स्टिल जो हमारे ऑयल का लेवल है दैट इज 10 मीटर अबव द फाइनल वाटर लेवल. अब भैया देखो क्वेश्चन में यहाँ पे वाटर क्यों बनाया है ये मुझे नहीं पता चला. उसकी जरूरत एक्चुअली थी नहीं क्योंकि फाइनल वाटर लेवल यही है. ठीक है. बनाया क्वेश्चन में तो हमने भी बनाया है और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है. कितना है? 10 है. ठीक है. अब आपसे पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है भाई? आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट दी ऑयल डेंसिटी. फाइंड आउट दी ऑयल डेंसिटी. तो सिंपल क्वेश्चन है. कैसे करेंगे? देखो शुरू करते हैं. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देखो कितना तुच्छा सा दो लाइन में आ जाएगा. करना क्या है भाई? देखो ये एटमॉस्फेयर में दोनों ओपन है तो दोनों साइड क्या लग रहा होगा? पी ए लग रहा होगा. अरे वाह, ये तो लगेंगे ही भाई साहब, ये तो लगने वाले ही हैं. अच्छा, ये जितना फोर्स लगा रहा होगा इस लाइन पे पर्टिकुलर, इसको हम मान लेते हैं अपनी रेफरेंस लाइन. क्या मान लेते हैं? रेफरेंस लाइन, क्योंकि यहीं से दोनों का लेवल चेंज होना. यहाँ तक तो है ही लेवल. देखो यहाँ पूरे में क्या है? वाटर फील्ड है. सॉरी मैं बनाना भूल गया हूँ. पूरे में वाटर फील्ड है तो यहाँ से पूरे में वाटर है. लेवल का डिफरेंस कहाँ से शुरू हो रहा है? इस लाइन से. कौन सी लाइन से? बी सी लाइन से. तो हम मान लेते हैं ये हमारी रेफरेंस लाइन है और यहाँ पे इस रेफरेंस लाइन पे ये कितना प्रेशर लगा रहा है और ये कितना प्रेशर लगा रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है. अगर ये फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है, मतलब किसी पाइप से उछल के बाहर नहीं जा रहा है. अगर नहीं जा रहा है मतलब दोनों साइड से प्रेशर बराबर लग रहा होगा, नहीं तो कहीं से ज़्यादा लगता भाई तो ये क्या होता? पाइप के बाहर निकल जाता ना. अगर पाइप थोड़ी बड़ी है तो क्या हो जाता? हाइट चेंज हो जाती, एलिवेशन चेंज हो जाता, कुछ तो होगा. मगर ये स्टैटिक है, मतलब बोथ साइड प्रेशर इज इक्वल ऑन बोथ साइड. तो नाउ जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला. भाई कितनी बार पढ़े हो आप? पहले इस साइड का देख लेते हैं. इस साइड का क्या है प्रेशर? पी ए प्लस ये कितना प्रेशर लगाते हैं भाई? रो जी एच. तो रो किसका है? ऑयल का है. जी तो भाई यूनिवर्सल है. एच हाइट. हाँ, हाइट. हाइट कहाँ से मेजर करेंगे? रेफरेंस लाइन से. कितनी हाइट है यहाँ तक? कितनी है? 65 एंड 10 कितना हो जाएगा? मैथ तो आती ही होगी, 140 mm. mm नहीं लिखता हूँ. क्यों नहीं लिखता हूँ? अभी बता दूंगा आपको. और यूनिट कन्वर्जन भी नहीं करता हूँ, ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. इस साइड की बात करते हैं, कितना प्रेशर लग रहा है भाई? पी ए. कितना प्रेशर लग रहा है? पी ए. पी ए ओके, पी ए प्रेशर लग रहा है. प्लस वाटर. वाटर का फाइनल लेवल ये है. कितना प्रेशर लगाएगा वाटर? रो जी एच. रो ऑफ वाटर. जी तो यूनिवर्सल है और एच 65. कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 130. वेरी सिंपल. अरे वाह, जी से जी को कर देते हैं ऑल आउट. जी से जी ऑल आउट, पी से पी ए ऑल आउट. क्यों भाई? क्योंकि दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जी तो क्या है? पहले भैया इसको कट कर देना, इसको कट कर देना, फिर ये बचेगा. तो जी को भी कट कर दिया हमने डायरेक्टली. ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा, किसी को कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मान लो अगर फोर्स बैलेंस कर लेना, तुम फोर्स बैलेंस कर लेना, क्या होगा? दोनों साइड के फोर्स बराबर होंगे तभी तो ये मूव नहीं कर रहा होगा. अगर फोर्स बराबर है तो क्या होगा? प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया ही तो फोर्स होता है. तो ट्यूब भाई सिमेट्रिकल है, ऐसा नहीं इधर की क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है उधर के कम है, तो उस तरीके से भी एरिया कैंसिल आउट होके यही आएगा प्रेशर वाली ही. हमको फाइंड आउट क्या करना है भाई? डेंसिटी ऑफ रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? वाटर की डेंसिटी दैट इज 1000 मल्टीप्लाई 130. और कुछ छूट तो नहीं रहा? 1030 डिवाइडेड बाई
40। अरे वाह, यहाँ से कर लेना आप कैलकुलेशन भाई। कैलकुलेशन करोगे ये से कैंसिल आउट हो गया। नियर अबाउट देखो ये 13 है, ये 14 है, मतलब ये 1000 है। थोड़ा सा ये 1000 से कम आना चाहिए अगर कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो थोड़ा सा 1000 से कम कौन है ऑप्शन में, यही तो दिख रहा है ना। तो कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, टाइम सेव करना। हमारा ऑप्शन यही आएगा 928 kg पर मीटर क्यूब। तो कितना छोटा क्वेश्चन था और लिखा हुआ इतना लंबा चौड़ा था भाई। ये लक्ष्मण रेखा है, इधर ये लक्ष्मण रेखा है, इसको मिक्स मत कर देना। सॉल्यूशन यहाँ है और क्वेश्चन वहाँ है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना वीडियो को डायरेक्टली सोचेंगे कि वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पे आंसर आया है। तो ये भैया आंसर आया है लक्ष्मण रेखा से, इधर आंसर है या सॉल्यूशन है, ठीक है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपके स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कब, नीट 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016 का, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार मैं रीड करता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है तो जल्दीबाजी में सॉल्व नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन जल्दीबाजी में ही गलती करते हो और ये सिंपल क्वेश्चन का डबल घाटा होता है। देखो सिंपल क्वेश्चन मतलब सारे लोग सही करके आएंगे, अब जिस क्वेश्चन को सारे लोग सही करके आते हैं उसको तुम गलत करके आओगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा। सिलेक्शन तो तब होता है ना, जिस क्वेश्चन को सारे लोग करके आए हैं उसको आप भी करके आओ, जिस क्वेश्चन को सब लोग नहीं कर पा रहे हैं उसको भी आप कर दो, तब क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो जो क्वेश्चन देखने में इजी लगता है ना उसको थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा उटपटांग सा दिया रहता है, जल्दीबाजी में हम टिक करके गलत करके आ जाते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करो, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन है और मैं तो कर ही रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, अजार इज फिल्ड विद द टू नॉन मिक्सिंग फ्लूइड 1 and 2 हैविंग डेंसिटी रो 1 and रो 2 रिस्पेक्टिवली। अ सॉलिड बॉल मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ हैविंग डेंसिटी रो 3 इज ड्रॉप इनटू द जार, इट कम्स इन द इक्विलिब्रियम विद द फिगर, फिगर में दिखाया हुआ कैसे आया इक्विलिब्रियम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा है, आपको सत्य कथन बताने हैं। अच्छी बात है, सत्य ही बोलना है भाई, झूठ तो दुनिया बोल रही है, ठीक है। कर लो, देखो ये रो टू है, देख लो पहले फिगर, देख लो फिगर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, रो टू है, रो थ्री है, रो वन है। होता क्या है, देखते ही क्वेश्चन आप बता दिए होगे, होता क्या है भाई, अ हैवियर मतलब यू कैन से अ ये लाइटर डेंसिटी या फिर लाइटर लिक्विड विल फ्लोट ओवर द हैवियर लिक्विड। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है, ये तो क्वेश्चन मन में आएगा ना कि जो हल्की डेंसिटी का चीज़ होता है वो ऊपर ही क्यों उठता है या फिर फ्लोट क्यों करता है, किसके ऊपर, किसके ऊपर, मतलब हैवियर वन के ऊपर। इसको थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे बट मैं अभी आपको जो फंडामेंटल आप पढ़े हो उसके बेसिस पे क्या रीजन हो सकता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके और भी फ्लोटिंग के और भी बहुत सारे रीजन लॉज हैं, जैसे एक्मडीज है जो आप लोगों ने कभी सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलरली होता क्या है, देखो डेंसिटी कम होगी वो क्या करेगी, विस्कोसिटी, फ्लूइड के विस्कोसिटी को इफेक्ट करती है। विस्कोसिटी कम होगी, अगर विस्कोसिटी कम हो गई तो फ्लूइड का जो इंटरनल स्लाइडिंग रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, फ्लो करने में उसको इजी होगा। और जानते हो आपको मास मूवमेंट क्यों होता है या फिर मास डिफ्यूज क्यों होता है, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है। जैसे हीट फ्लो होती है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, वैसे ही मास फ्लो होता है नेचुरली ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी मॉलिक्यूल्स में, और चूंकि डेंसिटी कम है दूर दूर मॉलिक्यूल तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज भी कम रहेंगे, तो वो क्या करेगा इजिली दैट कैन बी इजिली फ्लो, उसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा स्लाइड करवाने के लिए लेयर को एक दूसरे पे, या फिर उसमें शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी फ्लूडिटी क्या होगी ज़्यादा होगी। इतनी सारी चीज़ तो बता दिया यार, तो सिंपल बात है जब उसकी फ्लूडिटी ज़्यादा है कम फोर्स लगाने हैं तो क्या करेगा वो फ्लो करेगा, इसको फ्लो कराने के लिए आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी या फिर ज्यादा शेयर स्ट्रेस की जरूरत होगी, ठीक है। समझ में आ गया, तो अब क्या है भाई, क्या था, लाइटर लिक्विड विल फ्लोट ओवर दी हैवियर वन। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, पहले नीचे वाले दो स्टेटमेंट से कि जो रो टू है दैट इज ग्रेटर देन रो थ्री, अगर इन दोनों की बात करें तो रो थ्री इज ग्रेटर देन रो वन, अगर इन दोनों को कंबाइंड करके हम बात करें तो रो टू इज ग्रेटर देन रो थ्री इज ग्रेटर देन रो वन।
तो वेरी सिंपल आप देख लो आप रो टू वेयर इज द रो टू, रो टू इज ग्रेटर देन रो थ्री इज ग्रेटर देन या लेस देन की साइन है यहाँ पे, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। पायल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। बिछड़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का।